وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما أنزل الله داء إلا نزل معه شفاء أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم أيدنا بتأييدك اللهم أيدنا بتأييدك اللهم أيدنا بتأييدك يا رب العالمين محترم معزز بھائیو بزرگو عزیز دوستو اللہ جل جلالہ امن والہ نے دنیا میں انسان کو دو طرح کی نعمتوں سے نوازا ایک نعمت روح کی ہے جس کو ہم زندگی کہتے ہیں دوسری نعمت صحت کی ہے جو انسان کے لیے بے حد ضروری ہے یہ دونوں نعمتیں اللہ تعالیٰ کی ایسی نعمتیں ہیں جن کو اللہ نے دو طرح سے احکام ان دونوں کو عطا فرمائے روحانی کے لیے روحانی احکام جسمانی کے لیے جسمانی احکام قرآن پاک میں یہ فرمایا یا ایوہ الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا اے رسولو حقیقت میں خطاب ہے ایمان والوں سے اے ایمان والو کلوا من الطیبات پاک رزق کھایا کرو نیک عمل کیا کرو اور دوسری جگہ فرمایا کلوا واشربوا ولا تسرفوا کھاؤ پیو اسراف مت کرو تو اللہ تعالیٰ نے کھانے کے لیے پینے کے لیے نعمتیں عطا فرمائی مختلف قسم کی نعمتیں نباتات جتنے پودے ہیں جتنی کاشتکاری ہے کھیتی باڑی ہے پھل فروٹس ہیں یہ سب بندے کو کھانے کے لیے اللہ کے طرف سے عطایا ہیں اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے مویشی عطا فرمائے مویشی حلال جانور جس کو کھانے کا حکم دیا اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو دونوں دانت عطا فرمائے آپ اگر گوشت نوچنا چاہتے ہیں گوشت نوچ کر کھانے کے لیے رباعی عطا فرمائے رباعی چار دانت انسان کے گوشت کھو رہے ہیں جو دانت اللہ ان جانوروں کا عطا فرماتے ہیں جو جانور گوشت خور ہوتے ہیں
वो भी तमाम इंसानों को अल्लाह ने अता फरमाए। यह अलामत है कि तुम भी गोश्तखोर हो, इसलिए कि जो जानवर घास फूस खाने वाले हैं उनको वो दांत अल्लाह ने अता नहीं किए। बैल भैंस वगैरह के दांत वो पूरे बराबर होते हैं, इंसान को बराबर दांत भी दिए और नोकेली दांत भी दिए। ये नोकेली दांत इंसान के गोश्तखोर होने की अलामत। तो ग़िज़ा अल्लाह ने दोनों तरह के बनाए और दोनों तरह के ग़िज़ा अल्लाह की नेमतें हैं, और उन नेमतों को अल्लाह अता फरमा कर जिस्म को ताकत, जिस्म में कुव्वत, जिस्म में हरकत, जिस्म में हुरकत, जिस्म में सेहत देना मकसूद है। तो इसीलिए उलमा कहते हैं कि जो बीमारियां पैदा होते हैं वो तरकारी और गोश्त से पैदा नहीं होते, मसाले और तेल से पैदा होते हैं जो इंसान के बनाए हुए हैं। इंसान मसाले बनाता है, उसमें मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें मिलाता है, तेल बे एहतियाती के साथ तेल इस्तेमाल करता है, इन चीज़ों से सेहत बिगड़ती है। अगर कोई खालिस तरकारी इस्तेमाल करे, जैसे हल्के से हल्का उसमें मसाला, यानी वो मसाला जो कुदरती है, जैसे नमक डाल लिया, मिर्ची डाल लिया, कोतमीर और पुदीना डाल लिया वगैरह वगैरह, जो कुदरती मसाले हैं वो डालकर अगर कोई खाना बनाता है, कभी उसका खाना उसके लिए मुजिर नहीं हो सकता। इसी तरह गोश्त अगर कोई हल्का सा मसाला डालकर बना लेता है तो कभी गोश्त मुजिर नहीं होता। लेकिन मुजिर होता कब? जब इंसान अपनी चालाकी से वो तरकीब इख्तियार करता है जो तरकीबें इंसान की सेहत के लिए मुजिर हैं। टेस्ट लाने के लिए टेस्ट पाउडर डाल दिया, तेल उल्टे सीधे बगैर तहकीक के ऐसी वैसे तेल डाल दिया जो तेल सेहत के लिए इंतहाई मुजिर। इस वक्त जितने हमारे ग़िज़ा हैं, आमतौर पर हमारे हुक्मा ये फरमाते हैं, लोग चंद पैसे बचाने के चक्कर में, चंद पैसे बचाने के चक्कर में सस्ते ग़िज़ा लेने के आदि होते हैं, और फिर आइंदा चलकर वही बचे हुए पैसे महंगी महंगी दवाओं में खर्च करते हैं। अजीब बात, कहाँ सस्ता है वो खरीदेंगे, और वो पैसा कितना भी बचा, 10 रुपये बचा, 5 रुपये बचा, 2 रुपये बचा, और ये जो पैसे तुमने बचाए आइंदा चलकर तुम्हारे इन ख़राब चीज़ें, गैर तहकीकी चीज़ें, जैसे कि बाज़ लोग पूछते हैं भाई ये तेल कितना, किसी ने कहा ये लीटर 70 रुपये, किसी ने कहा ये लीटर 100 रुपये, किसी ने कहा ये लीटर 120 रुपये, किसी ने कहा ये लीटर 140 रुपये, अरे भाई चक्की का तेल ये लीटर 220 रुपये मसलन कहा। तो हम क्या करते हैं, सस्ता तेल लेंगे, 70 रुपये का लेंगे, और 70 रुपये लेकर खुश हो जाएंगे ये सोच कर के भाई चलो बहुत पैसा बच गया। अरे भाई वो 70 रुपये का तेल जो तुमने लेकर उसमें खाना बनाया, खाना पकाया, और तुम खुद खा रहे हो, बच्चों को खिला रहे हो, तुम्हारी बीवी बच्चे खा रहे हैं, अब ज़रा सोचो वो तेल क्या है, सही तेल है या क्या है? आखिर में देखा जाए तो कोई और चीज़ है, किसी और चीज़ से वो तेल बनाया गया है। आपने उसकी तहकीक नहीं की, आपने उसके बारे में सोचा भी नहीं, गौर किया भी नहीं, आखिरकार क्या हुआ, वही तुम्हारे लिए सेहत के खराब होने का सबब बनता है। फिर लोग पूछते हैं अरे भाई कैसा ग़िज़ा खाया तुमने, क्यों? इसलिए कि पेट को अल्लाह ने मरकज़ु सेहत बनाई। जैसे मैंने गुज़िश्ता इशारा किया, मरकज़े सेहत पेट है, पेट ही से सेहत और बीमारी दोनों फैलती हैं। आप अगर पेट को सही ग़िज़ा दोगे तो बदन को सही ग़िज़ा मिलेगा, अगर पेट को गलत ग़िज़ा दोगे तो बदन को गलत चीज़ें सप्लाई की जाएंगी, फिर क्या होगा, पेट को जो तुमने अता किया
उसका नतीजा बाद में भुगतना पड़ता है। अरे भाई तबीयत यूं हो गई, तबीयत यूं हो गई, तबीयत यूं हो गई, तबीयत यूं हो गई, ये तबीयत यूं तू क्यों हुई? इसलिए कि हमारा गिज़ा सही नहीं है। इसीलिए असलाफ ने चंद तरीके बताए जिंदगी गुजारने के। देखो जिंदगी आदमी कमाता है खाने के लिए और खाता है जीने के लिए, और वो जीना क्या जीना? जो बीमारियों के साथ जीना हो उस जीने को जीना कहते हैं। जो बोझ बन जाए तमाम खानदान पर, बोझ बन जाए पूरे घराने पर, बोझ बन जाए पूरे परिवार पर, वो ऐसी बीमारी में अल्लाह ना करे मुब्तला हो गया, जायदाद की जायदादें खत्म हो गई इलाज करते करते करवाते करवाते। इसलिए अल्लाह के रसूल अलैहि सलातु वसलाम ने सुबह शाम दुआएं सिखाई, इन दुआओं का अहतमाम करो, सुबह शाम दुआओं का अहतमाम करो। अल्लाह के रसूल अलैहि सलातु वसलाम ने फरमाया बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यदुर्रु मा इस्मिही शैउन फिल अर्दि वला फिस समा वहुवा समीउल अलीम। रोजाना सुबह शाम तीन तीन मरतबा पढ़ लिया करो, तीन तीन मरतबा पढ़ लिया करो। अल्लाह रब्बुल इज्जत इंशाल्लाह मजर्रात से, नुकसान से, तकलीफ देने वाले अशिया से अल्लाह बचाएगा। एक तो दुआ करो और फिर अल्लाह से करो अल्लाहुम्मा आफिनी फी बदनी, अल्लाहुम्मा आफिनी फी समी, अल्लाहुम्मा आफिनी फी बसरी, अल्लाहुम्मा आफिनी फी फमी फी लिसानी, अल्लाहुम्मा आफिनी फी शारी। अल्लाह के रसूल अलैहि सलातु वसलाम ने दुआ सिखाई, अल्लाह से ये मांगो। क्या मांगे? या अल्लाह तो आफियत अता फरमा मेरे बदन में, मेरी जुबान में, मेरे कान में, मेरे आँख में, मेरे दिल में, मेरे दिमाग में, मेरे बदन के एक एक जर्रात में, एक एक खून के खतरे में, और या अल्लाह मेरे जिल्द में भी, मेरे बाल में भी आफियत अता फरमा। आफियत की दुआ मांगे अल्लाह ताला से, सल्लल्लाहु अलैहि आफिया। हुजूर अलैहि सलातु वसलाम ने फरमाया अल्लाह से हमेशा आफियत मांगा करो। देखो आफियत वाली दुआ ये जनरल दुआ है, अल्लाह ताला आपको आफियत अता फरमाए। किसी ने आकर कहा हजरत फलां साहब बहुत बीमार हैं, तबीयत नासाज है, बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं, बहुत ज़्यादा इधर उधर जा चुके हैं, सेहत नहीं मिल रही है, दुआ करें, तो अब आप दुआ क्या करेंगे? दुआ क्या करें? उलमा ने फरमाया जब आपसे दुआ करें कहें तो आप क्या दुआ करें? अल्लाह ताला आफियत अता फरमाए, ये दुआ कीजिए। अल्लाह ताला आपको आफियत अता फरमाए, अल्लाह आपके वालिदा को आफियत अता फरमाए, अल्लाह आपके अब्बू को आफियत अता फरमाए, अल्लाह आपके दादू को आफियत अता फरमाए, अल्लाह आपकी बीवी को आफियत अता फरमाए, अल्लाह आपके शौहर को आफियत अता फरमाए। आफियत की दुआ करो। अगर सेहत में आफियत है अल्लाह सेहत देकर उसे नजात दे देगा, अगर मौत में आफियत है अल्लाह मौत देकर उसे आफियत दे देगा। वो जानता है कि आफियत किस में है, हम नहीं जानते आफियत किस में है। हम एक बेचारे सबके लिए हम सेहत को दुआ करते हैं या अल्लाह तमाम बीमारियों को, बीमारों को सेहत अता फरमा, दुआ तो हम करते हैं, तमाम मरहूमिन की मगफिरत फरमा, ये दुआ तो मुतलकन हम करते हैं। लेकिन अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया बाज़ मरतबा ऐसा होता है कि आफियत किस में है तुम नहीं जानते, इसलिए अल्लाह से ये दुआ करें ए अल्लाह इस बंदे ने दुआ की दरख्वास्त की है इसके साथ तो आफियत का मामला फरमा, जो आफियत अल्लाह उसका फैसला करेगा। तो मैं ये आज करना चाहता हूँ कि अल्लाह ने हमें सेहत दी, ताकत दी, कुव्वत दी, तो उसके पीछे अल्लाह ने गिज़ा को भी बना दिया। देखो ये गिज़ा इस्तेमाल करो सेहतमंद रहोगे। उसके लिए सबसे आसान तरतीब क्या बताई? सबसे आसान तरतीब रात को कम खाने की आदत डालो, रात को ज्यादा नहीं। हमारे यहाँ सब उल्टी तरतीब, सब उल्टी तरतीब। दोपहर को खाना खाए क्या जी? नहीं खाए। क्यों? नहीं हजरत सुबह नाश्ता करते हैं जाकर आखिर में दवा को खा लेती हूँ। ऐसी बेवकूफाना तरतीब है, अहमकाना तरतीब है।
तो ये तरतीब तो हमारे लिए मुसीबत है। बदन काम करता है, बदन मेहनत कर रहा है, बदन भूख के तकाजा कर रहा है, अरे भी तुम कुछ मुझे कुछ दो, मुझे कुछ दो, मुझे कुछ दो। तुम उस वक्त में चाय पी पी कर वो भूख को खत्म कर देते हो, जूस पीकर खत्म कर देते हो, फ्रूट खाकर खत्म कर देते हो। बे उस वक्त में दोपहर का खाना, ये तमाम सहाबा इकराम एक टाइम का खाना खाते थे, कभी दो मिल गया तो दो, वरना ये वो एक टाइम उलमा लिखते हैं दोपहर का खाना, वो एक टाइम जो खाते थे वो दोपहर का खाना। सुबह नाश्ता कहा जाता है वो मिसले बादाम, मिसले बादाम खाना चाहिए, मुकव्वी गिजा खाना चाहिए। नाश्ता मुख्तसर हो, मुकव्वी हो, मुख्तसर हो, मुकव्वी हो। हजरत मौलाना अनजर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह, जो अनवर शाह कश्मीर रहमतुल्लाह अलैह के साहेबजादे थे, हजरत रहमतुल्लाह अलैह एक रोटी खाते थे, वो भी मगजियात की रोटी, ड्राई फ्रूट्स की रोटी, ड्राई फ्रूट्स का आटा और एक गेहूं के आटे में मिलाकर उसको मिक्स करके एक रोटी खाते थे, ड्राई फ्रूट्स की रोटी। बड़े सेहतमंद, जब तक अल्लाह ने हयात दिया बिस्तर पर नहीं सोए। दोपहर आप खाइए, दोपहर खाइए, पानी पीने से सुबह, खाने खाने से पहले पानी थोड़े से पी लिए, खाने के दरमियान थोड़ा थोड़ा पानी पी लिए, लेकिन खाने के बाद पानी पीने से हुकमा मना करते हैं। पानी का लेवल, खाने का लेवल बराबर होना चाहिए, पानी का लेवल, खाने का लेवल बराबर होना चाहिए और एक हिस्सा खाली होना चाहिए। हम लोग इतना पेट भर लेते हैं, पानी कम खाना ज़्यादा। बाज़ लोग नसीहत भी करते हैं, ए दावता में जाको पानी नहीं पीना जी, क्या को तो दावता में जाकर पानी पिए तो हमारा नुकसान कहते हैं। क्या नुकसान, कम खाना खाना पड़ेगा, फिर दावत का कोई फ़ायदा क्या। बाज़ लोग दावतों को जाना बोले तो एक टाइम का इफाका फाका कर लेते हैं, एक टाइम का फाका, क्यों दावत में जाना है, दबा कर खाना है, ये नहीं करती। अरे भाई आप जरूर खाओ, गोश्त खाओ, गोश्त इंतहाई सेहत और इंतहाई ताकत, इंतहाई कुव्वत गिजा है। हजरत सहाबा इकराम सिर्फ गोश्त खाना खा लेते थे, गोश्त खा लेते थे। इसीलिए अरबों की आदत है पांच इंसानों को, तीन से लेकर पांच, पांच से लेकर सात तक एक बकरी जुबा कर देते थे, और 20 आदमी से लेकर 25 तक एक ऊंट जुबा कर देते थे। क्यों, उनके यहां खाना सिर्फ गोश्त का होता था, गोश्त उनके यहां चाकना नहीं, गोश्त उनके यहां खाना होता था। इसीलिए कहा जाता है अगर कोई इंतहाई मोटा इंसान है, उसके बदन में पानी भर गया, उसके बदन में बे जा चीज़ें ऐसी भर गईं, फैले की तरह फूल गया, दाएं भी बाएं भी आगे भी पीछे भी, अब इसको करना तो क्या करना। आसान तरतीब है, इसका गिज़ा गोश्त बना दो, इसका गिज़ा गोश्त बना दो। आसान तरतीब, गोश्त बना दोगे, दोपहर को भी कह दे 400 से लेकर आधा किलो, 400 ग्राम से लेकर आधा किलो गोश्त खाएँ, रात को 2 किलो गोश्त खाएं, सुबह को एक एक 200 ग्राम गोश्त खाएं या 150 ग्राम गोश्त खाएं। सिर्फ गोश्त गिजा बना दो, मछली गिजा बना दो, नाटी मुर्गी गिजा बना दो, नाटी अंडा गिजा बना दो, वो ऑटोमेटिक एक्स्ट्रा फिटिंग से, एक्स्ट्रा फिटिंग्स सब निकल कर स्मार्ट हो जाएगा। बेहतरीन सेहत, इंसान फूलता है केमिकल्स से। आज हमारे गिजाएँ केमिकल से खाली नहीं हैं, तमाम गिजाएँ केमिकल ही केमिकल, जिसकी वजह से बच्चियाँ जल्दी बड़ी हो जा रही हैं। बच्चियों का बड़ी होना ये केमिकल से अलामत, जो खुसूसन मुर्गी खाते हैं फार्म की, वो इंतहाई जहरीला गिजा। और हमारे लोग हर हमेशा शादी में जाओ मुर्गी, वलीमे में जाओ मुर्गी, कि चहले में जाओ मुर्गी, बरसी में जाओ मुर्गी, जहां भी आप चले जाए अब आएगा
ग्यारहवीं और बारहवीं मुर्गी ही मुर्गी। अरे भाई ये मुर्गी क्या चीज है, ये मुर्गी क्या चीज है। और जो जानवर जिस सिफत का होता है वही सिफत का खाने वाला इंसान भी बन जाता है। आप फार्म की मुर्गी देखो, उठाकर बाहर छोड़ दिए तब भी वो मंद खड़ा रहेगा, यूं खड़ी रहेगी, मोटू टुनटुन की तरह यूं देखेगी, यूं देखेगी, वो हलेगी भी नहीं, हदरेगी भी नहीं। अरे भाई देखते नहीं देखते, जो मुर्गी अगर आप फार्म की मुर्गियाँ वही नाटी मुर्गी छोड़िए, ये उड़ेगी, भागेगी, दौड़ेगी, उसे पकड़ना मुश्किल हो जाएगा, और ये कहीं जाएगी नहीं, जहाँ छोड़ोगे वहीं रहेगी। वो तो पूरे का पूरा जहर भरा हुआ है, और ये मुर्गी खाकर हम भी मस्त। हजरत दाग जहां बैठ गए बैठ गए, हजरत हलरी भी नहीं, हदर्री भी नहीं। क्या खिस्सा, मुर्गियां खा खा को मुर्गी वो फार्म की मुर्गी सका छोड़ी, इन्हों भी गोल लुंडे फुल गए हैं। मुर्गियां खा खाकर कोई ताकत नहीं, कोई हिम्मत नहीं, कोई इनके अंदर हौसला नहीं, कोई हरकत नहीं, कोई बरकत नहीं, जहां बैठे वहीं बैठ गए। नतीजा उस मुर्गी खाने का नतीजा, जो मुर्गियां जहरीले हैं उसको जाकर देखो, उसको क्या किया जाता है, बालिग होने से पहले बालिग बना दिया जाता है। उमूमन बालिग होने की मुर्गियों की उम्र है, मुर्गियों को कुछ महीना रखा जाता है, लेकिन कुदरती निजाम जितना महीना रखना है उतने ही दिन रखे जाते हैं। रखने के बाद जब मुर्गी जब जिस वक्त वो फरबा होने की तरतीब पर आ जाती है, तब उसको खिला खिला कर, बिठा बिठा कर, एक ही जगह खड़ा खड़ा कर उसे 3 महीने में फुला देते हैं, ताकि मार्केट में जल्दी माल आ जाए। अब मार्केट में जल्दी माल आ जाए तो यहां भी बच्ची खाई, जल्दी बाली हो गई, जल्दी बाली हो गई। वो कैसे बाली हुई, बीमारी की वजह से बाली हुई। बालिग होना सेहत है, बच्चियों का बड़ी होना सेहत बंद की अलामत, लेकिन ये जो जल्दी हो गई ये क्यों हुई, ये उन मुर्गियों को खाकर तबीयत नासाज होने की वजह से हुई है। तो इसलिए मेरे अजीज भाइयों, पहले अपने गिजा पर एक नजर दौड़ाओ। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम गिजा की तरफ तवज्जो दिलाया करते थे, कुव्वत कवी गिजा खाया करते थे और खिलाया करते थे। सहाबा कराम खजूर खाने के आदि हैं, और हम लोग रमजान के अलावा कभी खजूर खाते ही नहीं। सबसे बेहतरीन गिजा कुव्वत के लिए, ताकत के लिए वो खजूर है। खजूर और कंकड़ी ये हमेशा अल्लाह के रसूल के गिजा, और ये गिजा खाना इंतहाई सेहत की अलामत। ये खिलाओ अपने बच्चों को, बच्चों को ये खिलाओ, खुद भी ये खाओ। अगर आप और भी अल्लाह ने आपको दिया है, मस्का लगाकर खाओ, खजूर की बीज निकालो, मस्का लगाकर खाओ, या उसके अंदर बादाम रखकर खाओ। ये गिजा सुबह सुबह खाने की गिजा है। सुबह सुबह इडली खाना नहीं, सुबह सुबह ये खाओ। और जिन लोगों को शुगर है, बीपी है, हार्ट है, वो अहबाब क्या करें, वो अहबाब सुबह सुबह एक पानी पिए, पानी। मैं आप लोगों को इसलिए कह रहा हूँ, सबको सेहत की बड़ी फिक्र है। 100 एक एक डॉक्टर को अपना अपना दोस्त बना लिए, उन्हें एल बोर्ड पर भी रहने दे या जेड बोर्ड रहने दे, कोई भी बोर्ड हो उसको बना लेते हैं दोस्ती। अब हर मरतबा डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, और जितने डॉक्टर्स हैं उनकी दुआएं। उलमा ने कहा दो लोगों को दुआ कभी नहीं करनी चाहिए। डॉक्टर्स के लिए दुआ मत कीजिए कि अल्लाह डॉक्टर साहब के धंधे में बरकत अता फरमा, ये डॉक्टर साहब को दुआ है, पेशेंटों को बददुआ है। डॉक्टर साहब की क्लिनिक आबाद होने की उनकी भी दुआ की है, तो इसका मतलब क्या हुआ, या अल्लाह इस महल्ले में पेशेंटों को बढ़ा दे। अरे भाई दुआ डॉक्टर साहब को, डॉक्टर साहब को या अल्लाह बरकत अता फरमा, दूसरी जगह दुआ करो, ये पेशेंट की बरकत नको। पेशेंट, हम लोग जब ईरान में थे, किसी जरूरत पर हॉस्पिटल जाना हुआ, हॉस्पिटल गए तो डॉक्टर साहब ही नहीं,
ये बड़ी हॉस्पिटल है। हमने पूछा भी डॉक्टर साहब कहाँ हैं, कहा घर पर हैं। कोई ड्यूटी डॉक्टर कहाँ, यहाँ कोई ड्यूटी डॉक्टर नहीं रहते। रोजाना हॉस्पिटल तो हम खोलते हैं लेकिन यहाँ बीमार लोग बहुत कम आते हैं। प्राइवेट डिस्पेंसरी ही नहीं, डॉक्टर साहब घर में कॉल किया, ऑन कॉल आते ही भाई पेशेंट आ जाता थे। तो आने के बाद डॉक्टर साहब कहने लगे हमारे यहाँ हफ्ते में 5 पेशेंट 6 पेशेंट आ गए तो आ गए, वरना आते ही नहीं। इसीलिए हम लोग यहाँ बैठने के बजाय घर में रहते हैं, जब कॉल आया तो आकर अटेंड करते हैं, फिर घर को चले आते हैं। और यहाँ डॉक्टर ना 2-2 बजे तक, सुबह से लेकर 2-2 बजे तक 24 आवर्स अवेलेबल, 24 आवर्स हॉस्पिटल, 24 आवर्स मेडिकल्स। 24 आवर्स क्यों, कब कौन क्या होता किसी को नहीं मालूम, बैठे बैठे उठे उठे कोई भी किसी के साथ कुछ भी हो सकता है। ये क्यों, ये सेहत ना होने की। वहां हमेशा वो लोग, याद रखो मेरे अजीज भाइयों, सलाद अपने खाने के साथ खाया करो, वो हमारे यहां रिवाजिश नहीं। सलाद, सलाद किसे कहते हैं भाई, प्याज, प्याज उसके साथ ककड़ी, उसके साथ मूली, और अगर हो सके तो साथ में पुदीना मिला ले या घास मिला ले, घास पुदीना मिला ले, आप उसको सलाद बना ले। और हो गए तो सिरका भी डाल लीजिए, इतना बेहतरीन सलाद है। आप जो भी खाओगे वो पूरा खाना सलाद हजम कर देगा, और खाना जब तक हजम नहीं होता तब तक वो कुव्वत नहीं बनता, जब तक कुव्वत नहीं बनता तब तक आपको ताकत नहीं मिलती, जब तक ताकत नहीं मिलेगी आप सेहतमंद नहीं होंगे। हर चीज को ताकत की जरूरत है, आंख को भी, दिल को भी, दिमाग को भी, बदन को भी, हड्डियों को भी, खून को भी, हर चीज को ताकत की जरूरत है। और वो ताकत मिलेगी ग़िज़ा से, और ग़िज़ा हजम होगा सलाद से, तो सलाद खाया करें। और जितना हो सके चबाकर खाएं, चबाकर। कितने मर्तबा चबाना, 15 से लेकर 18 टाइम्स। हमें लोग बोदखा निगल संगा निगलते रहती, बोदखा निगलते नहीं, वलक 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 वलक, अंदर डालते अंदर चले आना, डालते अंदर चले आना, चबाते नहीं। अल्लाह दांता क्यों दिया है भाई, दान दिया है चबाने के लिए, चबाओ खूब चबाओ, गोश्त चबाओ, चबा कर खाओ, खूब चबा कर खाओ। अब जाओगे घर में बिरयानियाँ बनाई बनी हुई होंगी, ज़रा एहतियात से, और खाना गला कर, गला के माने अच्छी तरह, तो कच्चा पक्का नहीं चावल, अच्छी तरह गला कर ताकि मैदे को काम कम हो, वरना मैदे के ऊपर बोझ पड़ता है, मैदा ज़्यादा हरकत में आना पड़ता है, मैदे को ज़्यादा थक जाता है वो आपके खाने को गलाते गलाते। और आप अपने खाने को गलाएं अच्छी तरह, और फिर एक तो कुकर में, एक मुंह में पीसे, फिर उसके बाद अंदर आहिस्ता, बड़े बड़े निवाले नहीं, ये बड़े बड़े निवाले, बाज लोगों की आदत 10 निवाले में पूरे प्लेट साफ कर डालती। क्या बोलते हैं सो जय खाना को, तो हमारे पास खाना सीखो जय हजरत, क्या ये लुंडे लुंडे नहीं भाई, वो मुंह की गार की, अल्लाह ताला मुंह बनाया, चबाने स्पेस दिए तो सुना, मुंह में डालने के बाद चबाओ, और चबाते वक्त में मुंह बड़ा बड़ा मत खोलो, जैसे जैसे बकरे मुंह खोल खोल के चबा रहे हैं भाई, आप इंसान हैं मुंह बंद करके चबाओ। थोड़ा सा मुंह खुल गया कोई बात नहीं, ये डिसिप्लिन है, ये डिसिप्लिन है। मुंह ये खोल खोल कर कच्ची पिच्ची टच्ची पिच्ची आवाज आ रही है, बाजू बैठकर खाने वाले क्या जी नो बेढंगा तरीके से खा रहे हैं, ऐसा घिन महसूस ना करें। और आप खा रहे हैं बड़े अदब के साथ, और उंगलियां लाजिमी तौर पर चूसा करें, ये उंगलियां होठों से, जुबान से नहीं, होठों से साफ करना सुन्नत है। इलाफुल असाबिय, जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा ये फरमाया, खाने की बरकत, बरकतुत ताम, अल वजू कबलहू व
वल वजू बादहु, खाने से पहले जो दोनों हाथ कलाइयों तक धोएं अच्छी तरह। बाज़ लोग हाथ भिगा लेती, धोते नहीं। धोना किसे कहते हैं? पूरा मैल हाथ में जो कुछ है वो खत्म हो जाना। तीन मर्तबा धोएं आप, एक मर्तबा धोने के बाद ऐसा देखो पानी काला टपकेगा, फिर अच्छी तरह धोकर देखो जरा, फिर तीसरे बार धो दीजिए बिल्कुल पाक। तीन मर्तबा धोकर फिर उसके बाद खाना खाए, मुंह कुल्ली करने की जरूरत नहीं। हाँ बाज़ लोग ऐसी वैसी चीजें मुंह में डाल लेते हैं, मुंह खराब हो जाता है, वो लोग मुंह कुल्ली करें। जिनका मुंह साफ है वो मुंह कुल्ली करने की जरूरत नहीं। खाने के बाद हाथ भी धोएं, मुंह भी कुल्ली करें। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका नाम वजू रखा और आपने फरमाया कि बरकतु ताम अल वजू कबलहु वल वजू बादहु। ये कहने के बाद आपने फरमाया हाजा वजू मिम्मा मस्सतु नार, जो कुछ पकी हुई चीजें बंदा खाना चाहता है उसके खाने के बाद तीन मर्तबा हाथ धो लेना, ये खाने का वजू है। अल्लाह ताला हमने शरीर को अच्छी तरह सेहतमंद जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाएं, जो हिदायत दिए गए वो हिदायत पर अमल करने की तौफीक अता फरमाएं। ये हुजूर अलैहिस्सलाम के हिदायत हैं। बहुत सारी बातें सरकार ने उम्मत को ऐसे बताए जैसे बाप अपने बच्चे को बताता है। बाप अनलकुम बिमंजिलतिल वालिद लिल वलद, हुजूर ने खुद फरमाया मैं तुम्हारे दरमियान ऐसा हूँ जैसा बाप अपने बच्चों के लिए होता है। आपने बहुत सारी बातें बताई, इंशाल्लाह हम धीरे धीरे उस पर अमल करेंगे, बड़ा फ़ायदा होगा। खाने के बाद दुआ पढ़ें, अल्लाहुम्मा अतइम मन अतअमनी वस्की मन सकानी अफ्तर इंदकुम सायमून अकलत आमकुम अलबरार सल्लत अलैकुम अलमलाइका। एक मर्तबा एक बुजुर्ग कहने लगे भई ये तो मेहमानों के यहाँ दुआ करने की दुआ है, तो ये और एक बुजुर्ग कहने लगे भाई ये दुआ हर जगह पढ़ सकते, अपने घर में भी पढ़ सकते हैं। हजरत ने फरमाया जब ये दुआ पढ़ोगे, ये दुआ पढ़ोगे तो तुमने क्या की, अपने बेगम को भी दुआ दी, अपने बेगम को दुआ दी। अफ्तर इंदकुम साइमिन, इसलिए कि भाई तुम्हारे बेगम बिचारी खाना पकाकर रख रही हैं, तो खाने की तारीफ करना भी सुन्नत है। आपके बेगम आपको खाना बनाई तो आप अपने बेगम के खाने की तारीफ करें, इंशाअल्लाह उससे उनका दिल बड़ा खुश होगा और मज़ीद खिदमत करने का जज्बा पैदा होगा। अल्लाह हमने शरीयत को अमल की तौफीक अता करे। वाखिर दावा अल्हम्दुलिल्लाह। Thank you.